तो देखे चना का दाल जो मैं उबाल रही थी पूरी बनाने के लिए, दाल तो हो गया गीला, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मेरे श्रावणी घड़ी पर्व का ब्लॉग है, जो मेरे घर का पर्व है या मेरे इष्ट देव का पर्व है बन्नी बाबा गुरैया बाबा का, जो मेरे घर में ही होता है। कहीं कहीं यह बुधवार को होता है लेकिन मेरे यहाँ शनिवार को हो रहा है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में अंत तक। दोस्तों हेलो दोस्तों, देखिए पूजा के सामान लेकर के चले आए। अभी घर का जो सामने घड़ी पूजा है, देखिए इसमें ढकना ढकनी लाए हैं, खखरा लाए हैं, घी लाए हुए, हाँ घी भी है, इससे रोट बनेगा दोस्तों। सबसे पहले घी भी लाए हैं महाराज के लिए, और तेल लाए हैं, और उसके बाद तेल में सबसे पहले पूरी छनाएगा सर। दाल चढ़ा देती हूँ मैं इसको बनने के लिए, और दूध मम्मी को देती हूँ। मम्मी देखिए आंच जोड़ रही है बैठ के चूल्हा पर, मम्मी को देते हैं दूध गर्म करने के लिए, और चावल दे देते हैं, खीर चढ़ाएगी मम्मी। दोस्तों दूध को उबाल कर रखी हुई हूँ, मम्मी को दे देती हूँ, चढ़ाएगी। हमारी घर घड़ी पूजा है, सावन घड़ी पूजा, शनिवार के दिन हम लोगों का होता है, बहुत लोगों का बुधवार के दिन भी होता है। पानी रख देते हैं, दोस्तों हमारे घर का जो है बन्नी बाबा गोरैया बाबा उनका पूजा है, उसमें खीर जो बनाने के लिए हम चावल जो यूज करते हैं उसमें से 10 मिट्टी पहले हमको मुठिया भी निकालना पड़ता है, उसके बाद इसका खीर बनेगा। ये चावल भी चढ़ेगा, खीर भी चढ़ेगा, और इस चावल जो हम जो मुठिया में निकालेंगे उस चावल का सुबह में खीर बनेगा, तब फिर उस देवता को इस खीर से भोग लगेगा। तो देखे चना का दाल जो मैं उबाल रही थी पूरी बनाने के लिए, दाल तो हो गया गीला, इसका फुफट हो गया दाल का पूरा से, और भगवान जाने इसका कैसे होगा। चलते इसको तभी ये गमला में पूरा पसार किया, पंखा के पास रख देती हूँ कि थोड़ा ये सूख जाएगा ना, पूरी में भर नहीं बनेगा। मम्मी देखेगी तो बोलेगी देखो सारा दाल गला के रख दी। पंखा के पास मैं इसको रखने जा रही थी तब तक लाइन ही कट गया। अब देखिए बहुत टाइम लगेगा दोस्तों इसको ठंडा होने में। चलिए इसको कैसे कैसे लाइन चला गया ना, देखिए दोस्तों रोट बनना शुरू हो गया, इधर माँ बना रही है। बताइए दोस्तों, पहले सबसे बड़ा पहले एक तो रोट निकला वो बड़ा होगा, उससे ये छोटा वाला रोट बनेगा, दो तो रोट पहले बन जाए उसके बाद हम पूरी बनाएंगे। यह रोट जो है पूजा के लिए जो बनेगा वह चूल्हा पर ही बनता है, देखिए चूल्हा पर बन रहा है, ये आपको दिखाता हूँ, घी में बनता है, और यह घी में बनता है। ऐसे तो पूरा प्रसाद घी में ही बनता है, लेकिन जो ना सके बनाने तेल में भी बना सकता है, तो हम तेल ही यूज करेंगे, सिर्फ रोट के लिए घी यूज करेंगे। ऐसा सब में ना थोड़ा सा छप्पन को तो पहले इतनी मिट्टी भोग लगेला होने वाला है। कितना पूरी बनेगा? 56 पूरी बनेगा दोस्तों पूजा के लिए। 56 में से बन्नी बाबा गोरैया बाबा को चढ़ेगा, हनुमान जी को चढ़ेगा, बस जो वह मतलब 56 में से एक दो को बेसी रख देंगे, जहाँ बचल कुचल होगा वहाँ चल कम बसी बनने के लिए। लो उस रूम में रखा हुआ है, फूल वाला थाली रखे हुए ना गोसाई घर में, उसको छाप रहे हैं। दोस्तों पूरी
बन के तैयार हो गया है दोस्तों। अब जा रहे हम जूता भरने, अभी भर जाएगा, एक घंटा जूता पर चल के रहेगा और शाम होने से पहले पूजा पूरी उतर जाएगा। हम लोगों का पूजा में एक घंटा मतलब एक घंटा दिन रहते हुए पूरी उतार लेते हैं, आधा प्रसाद उतरेगा, आधा हम लोग सुबह में उतरेगा प्रसाद। और जो चावल जो मुठिया निकाले थे वो चावल का सुबह में खीर भरेगा, फिर चढ़ेगा। हम लोग अपने देवता को कहीं किसी को नहीं दिखाते, उसके अंदर का सिर नहीं दिखाएंगे, जा रहे हम देवता भरने। देखिए दोस्तों, अब जा रहे हैं बजरंग बली महाराज का पूजा करने। देखिए दोस्तों, प्रसाद उतर गया, आप घर का भी सारा प्रसाद उतार ली सब उसको खाएगा, पूरा आधा प्रसाद जो बचा हुआ सुबह उतरेगा, और चावल जो मुठिया वाला था सुबह खीर बनेगा, फिर देवता भराएगी। हम लोग अंदर का तो नहीं दिखाया क्योंकि नहीं दिखाना था, पूजा खत्म। हाँ, प्रसाद भी ये जो हम लोग का प्रसाद है उसको कोई नहीं देखेगा, हमारे घर की बेटी भी है जिसका शादी हो चुका है वो भी नहीं खाएगी उस प्रसाद को, सिर्फ हम लोग खाएंगे। अब बचेगा सो कल शाम को 4 बजे से पहले प्रसाद को गाड़ देंगे। पूजा खत्म हो गया। हाँ, पूजा खत्म हो गया। तो दोस्तों आज बस इतना ही।